आ गेलो रे बाबा भैया जी का टीजर आ गेलो, अब हो तो बवाल। जी हाँ दोस्तों, कल मिर्जापुर 3 का टीजर आया और कल ही भैया जी का टीजर भी आ गया दोस्तों। और टीजर देखकर लगेगा काफी बवाल टीजर देखकर लग रहा है। तो चलिए बात करते हैं टीजर के बारे में। तो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम आपको ऐसे नई नई फिल्मों के बारे में अपडेट करते रहे दोस्तों। कल भैया जी का टीजर आया जो कि 2 मिनट 13 सेकंड का टीजर है और टीजर काफी बवाल है दोस्तों। 2 मिनट 13 सेकंड का टीजर है लेकिन आपको आंख झपकाने का भी मौका नहीं मिलने वाला है क्योंकि टीजर बनाया गया है कुछ ऐसा है दोस्तों। टीजर में आपको सिर्फ मनोज वाजपेयी ही दिखाई देने वाले हैं और मनोज वाजपेयी जिस अंदाज में दिखाई दिए हैं वो टीजर को और बेहतरीन और बवाल बनाता है दोस्तों। टीजर में दिखाया गया कैसे एक रास्ते पर चारों तरफ से भीड़ घेरी हुई रहती है और बीच में मनोज वाजपेयी एक घायल अवस्था में रहते हैं और जो भीड़ जो रहती है वो घेरी हुई रहती है, सभी के हाथ में हथियार रहते हैं और वो मनोज वाजपेयी को मारना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी मनोज वाजपेयी घायल अवस्था में, फिर वो मतलब मारना चाहते हैं और जैसे ही मनोज वाजपेयी का थोड़ा सा शरीर हिलता है वैसे वो डरते भी हैं और जैसे ही मतलब वो मारना भी चाहते हैं लेकिन उनके गाल में डर भी है दोस्तों। और जैसे ही मनोज वाजपेयी घायल अवस्था से उठते हैं वैसे ही सब भाग जाते हैं दोस्तों और उठते हैं और देखा जा सकता है क्योंकि एक आंख से खून निकल रहा रहता है और फिर उसी अंदाज में वो बीड़ी पीते हैं। यानी कि टीजर काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। मतलब गैंग ऑफ वासेपुर के बाद आपने गैंग ऑफ वासेपुर में मनोज वाजपेयी को देखा था, क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की थी। और उसके बाद आप भैया जी में देखेंगे दोस्तों और फिर वो उठकर खड़े होते हैं, एक हाथ में उनके भी हथियार रहता है और फिर वो जो कहते हैं डायलॉग, अब निवेदन नहीं अब नरसंहार होगा, ये डायलॉग कहते हैं और टीजर की होती है समाप्ति। यानी कि यो भैया जी फिल्म होने वाला है, काफ़ी बवाल होने वाला है, इसके सामने एनिमल भी टिकने वाली नहीं है दोस्तों। देखकर तो फिलहाल अभी ऐसा ही लग रहा है और 24 मई को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। और मनोज वाजपेयी एक ऐसे एक्टर है जिसके सामने बड़े बड़े एक्टर भी नहीं टिकते हैं दोस्तों। यानी कि ये फिल्म देखकर तो पक्का है कि बवाल हो तो और ऐसा हो तो कि सब याद रख दो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।